हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। इस बार के फाइनल बोर्ड परीक्षा में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान में, और बिल्कुल वैसा ही वैसा 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और यही 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो जो एटीएम कार्ड होता है ये प्लास्टिक मुद्रा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एटीएम से आप 24 घंटे पैसे निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत के किस राज्य में कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला चार प्रकार का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल प्रोटीन का स्रोत है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दाल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बंगाल गजट को किसने प्रकाशित किया, तो जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दस नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि
कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुआ, तो राजस्थान में लागू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मानव जनित आपदा है, तो जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं ये कौन करते हैं, मानव करते हैं, तो ये मानव जनित आपदा हुआ। आतंकवाद कौन फैलाते हैं, तो मानव फैलाते हैं, तो ये भी मानव जनित आपदा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है सी ऑप्शन में रेल दुर्घटना, तो रेल दुर्घटना किसके कारण से होता है, तो मानव के द्वारा होता है, तो रेल दुर्घटना भी क्या हुआ, मानव जनित आपदा हुआ, यानी इनमें से सभी क्या है, मानव जनित आपदा है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध दूध से ही है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ यानी सबसे अधिक उपजाऊ है, तो जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में कहाँ सबसे अधिक भूकंप आता है, तो देहरादून में आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो 1985 में लागू किया गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दल बदल कानून किस पे लागू होता है, तो ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। यहाँ पे आपको बताना है
कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो शिवहर जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे कम है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड कोयला सबसे अच्छा होता है, और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो पीट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भूमि पाया जाता है, तो 29% भूमि पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो गुजरात राज्य में कपास सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान किसने लिखा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही लिखा था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित नेहरू जी थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अब कितने राज्य हैं, तो पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब क्या किया गया है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो भारत में अब कितने राज्य हैं, तो अब 28 राज्य हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी था, इसे आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति सांसद नहीं बन सकते हैं, कम से कम यहाँ पे 25 वर्ष होना चाहिए, तभी आप लोग सांसद बन सकते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में
यहाँ पे जो पंचायत में जो मुखिया होते हैं वो कितने वर्षों के में बन सकते हैं, कितना वर्ष होना चाहिए मुखिया बनने के लिए, तो मुखिया बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुआ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, तो सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है, तो हरा रंग से दिखाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं, तो जापान को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है, तो जो भारत है ये एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विकसित देश कौन सा है, तो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, ये सब विकसित देश है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर मिट्टी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, तो बांगर मिट्टी कहते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार की होती है, पहला होता है खादर मिट्टी और दूसरा होता है बांगर मिट्टी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स हिकी को कहा जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जेम्स हिकी ने ही बंगाल गजट जो एक साप्ताहिक पत्रिका था, न्यूज़पेपर था, उसे प्रकाशित किए थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो
तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि पिकासो क्या थे। यहाँ पे आपको बताना है कि पिकासो क्या थे। तो जो पिकासो थे ये एक चित्रकार थे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि वर्षाय की संधि कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षाय की संधि कब हुई थी। तो वर्षाय की संधि 1919 में हुई थी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ। और कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया? तो ए ओ ह्यूम ने किया, इसे आपको याद रखना है। और बीजेपी का स्थापना कब हुआ? तो 1980 में हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। तो जो लोकतंत्र होता है ये नागरिकों को समान अवसर देता है, यानी एक बराबर अवसर देता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो ये उत्तराखंड में किया गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। तो गेहूं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो पंजाब से हुआ, इसे आपको याद रखना है। और गेहूं को रबी फसल कहते हैं और धान को खरीफ फसल कहते हैं। और यहाँ पे गन्ना और कहवा को नकदी फसल कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। तो बोलीविया में बनकर उभरा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? तो क्लोन कहा जाता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही वैसे 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। और ऐसे ही 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और बहुत सारा प्रश्न आपको यहीं पे याद भी हो गया होगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, 87 89 30 73 04, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो क्लास का लिंक आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, टेस्ट का लिंक आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और फिर यहाँ पे जो पीडीएफ और नोट्स होता है उसका भी यहाँ पे फ्री में मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जो टेस्ट होगा वो 2 टाइम हम कर दिए हैं, एक सुबह में 7 बजे और एक शाम में 7 बजे। जो सुबह में 7 बजे होगा उसको यहाँ पर देखिए भूगोल है तो पूरा भूगोल से कहीं भी, यानी पूरा भूगोल से क्वेश्चन रहेगा, या हिंदी है तो पूरा हिंदी से क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो शाम में 7 बजे वाला होगा वो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, यानी पाठ के अनुसार अब टेस्ट स्टार्ट होगा शाम में 7 बजे आज से। तो आप लोग जाइए शाम 7 बजे से, यहाँ पे वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा होगा तो आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देना नहीं आता है तो अभी हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में हो
होता है गूगल या क्रोम, तो उसे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। हमारा यहाँ पे क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखेगा, तो इस सर्च बॉक्स में लिखना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK, फिर CLASS, आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। और जैसे ही हम लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ये पेज खुल रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पेज खुल चुका है। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे देखिए खुल गया। अब यहाँ से देखिए आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड PDF PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है तो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आज ही के डेट में 6/6 और यहाँ पे 2022 सभी विषयों का टेस्ट, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, आपका टेस्ट थोड़ी ही देर में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुका है और 256 बच्चों ने अभी तक टेस्ट दे दी हैं। बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। हम यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हम एक नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक सही रहेगा। तो अगर आप लोग सही क्वेश्चन पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि बृहस्पतिवार कौन था, तो जो बृहस्पतिवार थे ये मिथिला के मंत्री थे, तो इस पर टिक करेंगे तो देखिए ये ग्रीन हो गया, यानी ये सही है। अगर हम गलत करेंगे तो रेड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेतमा कहाँ स्थित है, तो इंदौर के पास स्थित है, लेकिन हम इलाहाबाद के पास मारेंगे तो देखिए गलत हो गया, और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आपको टेस्ट देते जाना है, और लास्ट में आप लोग स्कोर भी देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो डाउनलोड PDF पे आपको बस क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका बहुत सारा PDF ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया, थोड़ा सा नीचे में आना है और यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF यहाँ पे हम अपलोड कर चुके हैं। तो बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ से सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।